ज्वालामुखी में यातायात नियमों को तोड़ना अब महंगा पड़ सकता है। चालान अब पुलिसकर्मी नहीं, ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन CCTV कैमरे से होंगे। कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर चालक की ओर से किए गए यातायात उल्लंघन को रिकॉर्ड कर उसकी फोटो उस दिन की तारीख व समय के साथ सीधे कंट्रोल रूम को भेज देंगे। यहां से चालान बनाकर चालक के पते पर भेजा जाएगा। ज्वालामुखी में पहली बार ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है। शहर में पहले चरण में प्राइम लोकेशन पर ANPR CCTV कैमरा लगाया गया है। ट्रैफिक चालान में तकनीकी उपयोग से सिस्टम में पारदर्शिता और सरलता आएगी। चालान कैमरों से होगा, इससे ट्रैफिक पुलिसकर्मी व लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा। ट्रैफिक इंचार्ज रंजीत परमार ने बताया कि चालकों की ओवर स्पीड ड्राइविंग, स्पीड बाइकिंग, बाइक स्टंट, हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर 24 घंटे नजर रहेगी। शहर की सड़कों पर रात के समय कई वाहन चालक वाहनों को तेज गति से दौड़ाते हैं। ज्वालामुखी में अधिक स्पीड होने पर ये कैमरे से रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी ज्वालामुखी में 2 कैमरे लगाए गए हैं। हमने 2 कैमरा लगाए हैं, इनका ये फायदा होगा कि जितनी भी रफ्तार गाड़ी यहाँ से गुजरेगी उसकी नंबर प्लेट की इमेज ले लेगा। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई बंदा कहीं क्राइम करके अपने व्हीकल से भागता है तो उसकी नंबर प्लेट रीड करके हम उसके पास पहुंच सकते हैं। दूसरा, ये इमेज लेता है तो कोई बंदा अगर विदाउट हेलमेट या ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं या विदाउट सीट बेल्ट जा रहे हैं, अगर हम इमेज में पाया जाता है ऐसा कुछ, तो हम उसका ई चलान करके उसके घर चलान ले सकते हैं। DSP तिलकराज ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यातायात नियमों की पालना को बढ़ाने के लिए इस सिस्टम की शुरुआत की है। इसमें यातायात उल्लंघन जैसे ओवर स्पीड बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग बिना सीट बेल्ट आदि पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वाहन चालक ज्वालामुखी पुलिस थाना ट्रैफिक कंट्रोल रूम SDPO कार्यालय में चालान का भुगतान कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर भुगतान न करने पर चालान न्यायालय में भेज दिया जाएगा। इस सिस्टम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा चालान करना नहीं बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति अनुशासित करना है। शुरुआत के 15 दिनों में इस नए सिस्टम की जागरूकता के लिए अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने सभी चालकों से आह्वान किया है कि यातायात नियमों का पालन कर ज्वालामुखी शहर को ट्रैफिक चालान मुक्त शहर बनाने में अपना सहयोग दें।